सीएम के तल्ख तेवर। जबलपुर अचानक पहुंचे सीएम एयरपोर्ट पर कलेक्टर एसपी को आने से रोका। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में कहा बक्से नहीं जाएंगे आरोपी। सीएम शिवराज सिंह चौहान सोमवार 10 मई को अचानक जबलपुर पहुंचे। दोपहर 1:15 पहुंचे सीएम ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की लापरवाही से हुई मौत मामले में तल्ख तेवर दिखाए। बोले कि आरोपी कोई भी हो बक्से नहीं जाएंगे। कोविड के इस आपदा में ऐसे लोग जानवर से भी गैर गुजरे हो गए हैं, इनका जानवर से भी तुलना करना गलत होगा। सीएम ने कहा ऐसे लोग नर पशु हैं, इन्हें तो जानवर कहना भी गलत है। कलेक्टर एसपी को साफ निर्देश दिया है कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के प्रकरण में जो भी हो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो पूर्व में ही ऐसे लोगों की संपत्ति रासात करने के निर्देश दे चुका हूँ। कोरोना के बिगड़े हालत को देखकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 10 मई को अचानक जबलपुर की स्थिति का जायजा लिया। कोविड संक्रमण के बीच सीएम बिना लाव लश्कर के बैठक लेने कलेक्ट्रेट पहुंच गए। उन्होंने भोपाल से ही सोशल मीडिया के माध्यम संदेश देकर बता दिया कि उन्हें जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य कोई रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं आएगा। इसके चलते प्रशासनिक अमले के अलावा प्रतिनिधि भी सीधे बैठक में उपस्थित हुए। दवाई के मामले में, इंजेक्शन के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन है। शिकायत भोपाल में भी एक बी कमेटी बनाई है, उसके पास भी शिकायत की जा सकती है। हम जांच करवाएंगे और जांच करके कोई भी गड़बड़ करेगा तो देखो दोनों तरह के लोग हैं, एक अच्छे अस्पताल भी, अच्छे डॉक्टर भी हैं जो दिनों रात सेवा का काम कर रहे हैं, समर्पण से लगे हुए हैं। ऐसे डॉक्टर्स का, पैरामेडिकल स्टाफ का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनको हम भगवान का दर्जा देते हैं। लेकिन जो गड़बड़ कर रहे हैं वो हैवान है, उनको नहीं छोड़े। और एक थर्ड वेव आएगी ऐसा लोग कह रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। हमने प्रदेश स्तर पर थर्ड वेव के मुकाबले के लिए क्या करना चाहिए एक कमेटी बना दी है, लेकिन ये ज़्यादा बच्चों को असर करेगी। इसलिए हमने तय किया कि मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों के इलाज के लिए कोविड के अलग से बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। पूरे प्रदेश में मैं निर्देश दे रहा हूँ कि अभी से हम व्यवस्था करके रखें ताकि अचानक कोई बड़ा संकट पैदा ना हो जाए। इसलिए हमने तय किया कि हर घर का सर्वे होगा और सर्वे करके अगर सर्दी जुकाम बुखार के प्रकरण बाहर निकलते हैं तो तत्काल उनको दवाई का किट देंगे और उनसे कहेंगे टेस्ट आए, इसके पहले ही दवाई लेना शुरू कर दे, सैंपल भी लेंगे, टेस्ट भी होगा, लेकिन दवाई का किट उनको निःशुल्क मिल जाएगा। अगर उनमें से कुछ गंभीर लगेंगे तो होम आइसोलेशन में या कोविड केयर सेंटर में या जरूरत पड़ी तो अस्पताल में भी भर्ती करेंगे। तो एक तो मेरी अपील है कि कोई छुपाए ना, अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो तत्काल बताए और वो चिंता ना करे, उनके उपचार की व्यवस्था सरकार करेगी पूरे मध्य प्रदेश में। कोरोना की पॉजिटिविटी की दर अब लगातार कम हो रही है, ये बढ़ के 25% के ऊपर पहुंच गई थी, आज घट के ये 16% के नीचे आ गई। सफर अभी लंबा है, हमको लंबा रास्ता तय करना है।